उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज रात भेड़िए ने 11 साल के बच्चे पर हमला किया और भाग गया। बच्ची को सीएचसी महसी में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज चल रहा है। हमले के बाद से लोगों में दहशत और भी बढ़ गई है। आदमखोर भेड़ियों ने 50 से ज्यादा दिनों से बहराइच में आतंक मचा रखा था। भेड़ियों के इस झुंड ने 10 लोगों की जान लेने के साथ 50 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया चलाया गया है। अभी तक 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन छठे भेड़िए का खौफ बरकरार है, जो कि लंगड़ा है। माना जा रहा है कि वही इस खूंखार झुंड का सरदार है। माना यह भी जा रहा है कि गांव वालों पर सबसे ज्यादा अटैक लंगड़े भेड़िए ने ही किए हैं। यह भी डर बना हुआ है कि मादा भेड़िए से बिछड़ने और झुंड के साथियों को पकड़ जाने से यह अल्फा भेड़िया और भी अधिक खूंखार बन ना जाए। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने ऑपरेशन भेड़िया चलाया। इसमें वन विभाग के 165 कर्मियों और 18 शूटर लगे हुए थे। गश्ती दल दिन रात निगरानी कर रहे हैं। 4 थर्मल ड्रोन लगातार उड़ान भर निगरानी कर रहे थे। भेड़िया प्रभावित गांवों के 120 घरों में दरवाजे लग चुके हैं। 300 से अधिक घरों के दरवाजे लगाने के लिए चिन्हित किए जा चुके हैं। कुछ इलाकों में सोलर लाइटें लग चुके हैं। कुछ क्षेत्रों में इस पर काम चल रहा है।